नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि अभी हाल ही में आबकारी आरक्षक की भर्ती आई है, आज उस भर्ती के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। हम संपूर्ण सिलेबस देखते हैं कि आबकारी आरक्षक का जो सिलेबस है इसमें क्या क्या पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आएगा और कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, इन्हीं सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग चैनल पर बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देख लेते हैं, मध्य प्रदेश आबकारी सिपाही चयन परीक्षा जो है, मध्य प्रदेश आबकारी की जो चयन परीक्षा है उसके सिपाही भर्ती 2022 में अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा की मेरिट सूची, शारीरिक माप और परीक्षण जो है प्रवीणता टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद एमपी आबकारी सिपाही परीक्षा का जो है पैटर्न यहाँ पर हमें देखना है, पाठ्यक्रम देखना है कि क्या इसका पाठ्यक्रम रहेगा। परीक्षा योजना हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो परीक्षा योजना जो है एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि एमपीपीबी है, ये है ना, एमपीपीएससी नहीं है, भोपाल द्वारा आयोजित होने वाली आबकारी सिपाही भर्ती जो परीक्षा है इसका पैटर्न निम्नानुसार रहेगा। यहाँ पर केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा, फर्स्ट एक प्रश्न पत्र रहेगा। उसके बाद परीक्षा जो लिखित रहेगी, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, उसमें 100 नंबर का पेपर रहेगा। जो है परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट में रहेगा। परीक्षा अवधि जो है 2 घंटे की, यानी कि 120 मिनट का हमारे पास लगभग 120 मिनट का समय रहेगा। लिखित परीक्षा का जो पूर्णांक वो 100 रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक जो है निर्धारित किया जाएगा। साथ में लिखित परीक्षा वो ऑनलाइन के माध्यम से होगी, है ना, मतलब लिखित परीक्षा जो है ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर होगी। अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी। आप नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और परीक्षा में 10वें स्तर का पाठ्यक्रम होगा, मतलब क्वेश्चनों का लेवल जो लगभग रहेगा 10वें लेवल का रहेगा, तो आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। बात हम सिलेबस की कर लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो यहाँ पर लगभग 4 सब्जेक्ट आएंगे। मेन रूप से देखा जाए तो सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, मतलब इसमें सामान्य जीके और रीजनिंग का कुछ यहाँ पर रहेगा। बौद्धिक क्षमता और सामान्य अभिरुचि, मतलब ये रीजनिंग का सब्जेक्ट है। विज्ञान और सरल अंक गणित, है ना, यानी कि विज्ञान और गणित, कुल मिला के हमारे यहाँ 4 सब्जेक्ट रहेगा, जीके, रीजनिंग, मैथ्स और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट यहाँ पर रहेंगे। बहुत ही सिंपल इसका पैटर्न है, ज़्यादा परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य ज्ञान के यहाँ पर 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 अंक के। बौद्धिक क्षमता अभिरुचि यानी रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के। विज्ञान और सरल अंक गणित यानी दोनों के मिलकर यहाँ पर लगभग 30 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब वो 15-15 का रेशो भी हो सकता है, 10-20 का रेशो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बात करते हैं हम एक एक सब्जेक्ट की कि भैया जीके में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सामान्य ज्ञान में यहाँ पर करंट अफेयर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं, है ना, समसामयिक की घटनाएं जो है ये आ सकती है। पुरस्कार, सम्मान, खेलकूद यहाँ पर पूछा जाएगा। पर्यावरण से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश का भूगोल जैसे नदियाँ हो गई, पर्यटन हो गया, ये यहाँ पर पूछा जाएगा। पर्यटन में जैसे किले, महल, प्राचीन उल्लेखनीय और प्राकृतिक स्थान व गुफाएँ, मकबरे, सिंचाई योजना, इतिहास, है ना, भारत और विश्व का यहाँ पर पूछा जाएगा। संस्कृति, है ना, भारतीय भूगोल, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यहाँ पर प्रश्न आए। बहुत ही अच्छा है ये सिलेबस, आप सभी इसको आराम से देखिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल जुड़ के इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहेलियों से प्रश्न आएंगे, पहेलियाँ दे रखी है आपको, उनका जवाब देना रहेगा। निर्णय लेना वाला टॉपिक, संख्या श्रृंखला, है ना, तार्किक वन आरेख वाले क्वेश्चन, संबंध अवधारणा, स्थानिक कल्पना, गणितीय संचालन, है ना, नंबरिंग, वर्णमाला परीक्षण आदि। और भी यहाँ पर टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे कि हम बात करें लापता शब्दों को खोजने, है ना, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वर्गीकरण, गैर शाब्दिक श्रृंखला, असमानताएं, ये प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। मतलब रीजनिंग भी बहुत सिंपल आएगी, ज़्यादा टफ यहाँ पर नहीं आएगी। बात अगर हम विज्ञान की करें तो जैसे वजन, आयतन, द्रव्यमान से रिलेटेड, अपवर्तन, गैस एवं गैसों के गुण, पारदर्शिता, अम्ल और क्षार वाले जो है अम्ल के प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन, धातु और गैर धातु, रसायन विज्ञान, है ना, रासायनिक प्रतिक्रिया, गति से प्रश्न आ जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण के नियम आदि, जीव विज्ञान से जैसे मानव शरीर की संरचना, बैक्टीरिया, रोग और उनके लक्षण, इस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ें। इसके अलावा गणित की अगर हम बात करें तो संख्या पद्धति, जैसे कि मेन टॉपिक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, क्षेत्रमिति से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, डाटा व्याख्या, समय और दूरी, अनुपात और समानुपात से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाभ और हानि से प्रश्न पूछे जाएंगे, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, प्रतिशत, औसत, सरलीकरण, समय और कार्य, है ना,
कार्य इत्यादि, ये यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये परीक्षा का स्थान यहाँ पर संभावित जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, इन जगह पर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सिलेबस है, तो सभी लोग जो है निश्चित रूप से आप जो है इसका जो है पढ़ाई करें। अगर आपने फॉर्म डालना है तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करें। इसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस देखना है तो हमारी क्लासेस शाजापुर में कंडक्ट की जाती है। जैसे एड्रेस है नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प, SBI AB रोड, शाजापुर MP। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली महत्वपूर्ण सूचना के साथ। जय हिंद, जय भारत।